दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे मैजिकल ग्रेन के बारे में जिसको अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से आप अपनी बॉडी के अंदर बढ़े हुए यूरिक एसिड को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, गठिया की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या अगर आपका वज़न ज़्यादा है उसे आप कम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस ग्रेन को या इस अनाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट हैं जिसको आप इस अनाज को इस्तेमाल करके आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सा ये अनाज है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है और किस हिसाब से इसको आप इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, यूरिक एसिड एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता ही रहता है। कुछ खास तरह के खाने पीने की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर यूरिन्स पाए जाते हैं, उनके डाइजेस्ट होने के वजह से हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बनने लगता है। वैसे एक हेल्दी इंसान के अंदर भी यूरिक एसिड बनता है, लेकिन जितना यूरिक एसिड हमारे अंदर बनता है उतना यूरिक एसिड हमारा किडनी हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। इसी वजह से इसका लेवल हमारे बॉडी में मेंटेन रहता है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगे या फिर हमारी किडनी जो इसको फिल्टर करती है वो कैपेसिटी कम हो जाए तो इस वजह से इसका लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है और इसके ब्रिस्टल्स हमारे जोड़ों के अंदर जमा होने लगते हैं और फिर सूजन, दर्द और गठिया जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके अंदर यूरिक एसिड बढ़ने लगा है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे? दोस्तों, अगर यूरिक एसिड आपके अंदर बढ़ता है तो आपके जोड़ों के अंदर बहुत तेज़ दर्द अचानक से होना शुरू हो जाता है। इस दर्द के साथ आपके जोड़ों के अंदर रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग भी हो सकती है, आपको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो सकती है और इसी के साथ साथ आपको हर समय थकान भी रह सकती है। इसके अलावा अगर आपको बार बार किडनी स्टोन्स होते हैं तो यह भी एक लक्षण है कि आपके अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको सबसे पहले आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और देखना चाहिए कि आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड कहीं बढ़ तो नहीं गया है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करना पड़ेगा और आपकी डाइट पर कंट्रोल करना होगा। लाइफ मॉडिफिकेशन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको इसे बंद कर देनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को भी बंद कर देना चाहिए। और अगर खाने पीने की बात की जाए तो खाने पीने में आपको ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है जिनके अंदर प्यूरिन्स ज़्यादा हैं, क्योंकि प्यूरिन्स के डाइजेशन से ही हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बनता है। तो ऐसी चीज़ों में आते हैं उड़द की दाल, अरहर की दाल, पालक, गोभी, अरबी, मीट, एग्स, छोले, राजमा, चावल। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होने के बाद यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, बिल्कुल भी परहेज कर दीजिए। इसके अलावा एक ऐसा अनाज भी है जिसको आप खाते हैं, अगर उसकी आप उसकी रोटी बना के खाते हैं गेहूं की रोटी की जगह, तो वह अनाज आपकी यूरिक एसिड को बहुत तेज़ी से कम कर देता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यह कौन सा अनाज है जो आपकी यूरिक एसिड को कम करने में आपकी मदद करेगा। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। दोस्तों, ये अनाज है ज्वार और बाजरा। ज्वार और बाजरा ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मोटे अनाज की कैटेगरी में रखा गया है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं। अगर आप अपनी डेली डाइट में से गेहूं की रोटी एक महीने के लिए हटा दें और उसकी जगह ज्वार और बाजरे की रोटी को आप अगर खाना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, जिनमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि आपके बॉडी से यूरिक एसिड कम होने लगेगा। आपको क्या करना है, आपको गेहूं की रोटी खाना बंद कर देना है और उसके जगह पे आपको एक टाइम आपको ज्वार की रोटी खानी है और एक टाइम बाजरे की रोटी खानी है। जो ज्वार की तासीर है वो नॉर्मल होती है और बाजरे की तासीर वो गर्म होती है। अगर आप ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उस केस में आपको बाजरा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ऐसे में आपको दोनों टाइम ज्वार की रोटी ही खानी चाहिए। और अगर आप इसे ठंडी के मौसम में इस्तेमाल करते हैं या फिर कहीं ऐसे जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे मौसम ठंड है तो वहाँ पे आप एक टाइम
बाजरे की रोटी खाइए और एक टाइम ज्वार की रोटी खाइए। करीब एक महीने तक आपको ये रूटीन फॉलो करनी है, एक टाइम आपको ज्वार की रोटी खानी है और एक टाइम बाजरे की रोटी खानी है। इस तरह से एक महीने के बाद आप इसको एक टाइम कर सकते हैं। एक टाइम आप गेहूं की ही रोटी जैसे खाते हैं वैसे खाइए और एक टाइम आप ज्वार की रोटी या फिर बाजरे की रोटी खाना शुरू कर सकते हैं। ज्वार और बाजरे के अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसी के साथ विटामिन बी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां और आपके जोड़ तो मजबूत बनते ही हैं, इसी के साथ साथ आपके बॉडी के जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा हाई रहता है और आप तंदुरुस्त महसूस करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और सोलुबल फाइबर्स पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आपकी डाइजेशन को भी अच्छे से इम्प्रूव करता है, आपके अंदर शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम करके आपको डायबिटीज से बचाता है, वज़न घटाने में आपकी मदद करता है और आपकी हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको भी नॉर्मल रखने में मदद करता है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, इन दोनों चीज़ों की रोटी, ज्वार और बाजरे की रोटी आपको ज़रूर ही इस्तेमाल करनी चाहिए, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो भी, या ये जो बाकी बेनिफिट्स जैसे कि वज़न कम करना है, हार्ट हेल्थ है, तो इसके लिए आपको इसकी रोटी का ज़रूर ही इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद।